अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो, परिस्थिति के अनुसार। वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। श्रीकांत, मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। सक्सेसफुल प्रैक्टिस, मैं बार बार कहता हूँ, इट्स अ नॉलेज एंड नॉलेज इज अ पावर एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड अदर फिलोसॉफी विच ऑलवेज आई लाइक इट, दैट इज नो वन इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इन टू वेल्थ। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफी विच ऑलवेज आई रिमेंबर। एंड एज ए मैनेजमेंट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू रन यूर बिजनेस। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बार, मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ था तो एक मित्र ने मुझे किताब दी थी स्टारबक्स के जीवन के ऊपर की। तो मैं अपने, अभी तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, मेरे लड़के ही देखते, तो उनको मैंने ये उदाहरण बताया था और अक्सर उनको बोलता हूँ इसको याद रखो। स्टारबक्स एक ट्रक ड्राइवर का और उसकी माँ नर्स थी, उनका लड़का था, और एक कॉफ़ी शॉप में वो कॉफ़ी सर्व करने का काम वेटर करके करता था। अचानक उसने फिर वहाँ से सर्विस छोड़कर एक कॉफ़ी शॉप डाला और वो चलने लगा। और एक दिन, अभी आज आपको पता है कि यूरोप में, अमेरिका में, जिधर उधर स्टारबक्स की दुकान, अब नागपुर में भी हुआ है, मैं भी रात को कभी कभी शिवाजी नगर में जाता हूँ। तो स्टारबक्स के इतने शॉप्स हुए, 23,000 शॉप्स थे, अब मालूम नहीं कितने हुए। तो उसने उसके किताब में जो जीवनी थी उसमें एक वाक्य बहुत अच्छा था और आई ऑलवेज रिमेंबर दैट। उसने कहा कि जब आपको खुशी होती है, जब आपको सक्सेस मिलता है, तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज़्यादा, आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज़्यादा खुशी होती है, देन दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूँगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो, परिस्थिति के अनुसार। वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मुझे वो एक बार ऐसे ही, मैं नागपुर में काम करता, स्टूडेंट लीडर था, सही में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत, मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊँगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक IIT में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते ही थे, तो उसने मुझे एक किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी, और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए, और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। अहंकार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दो शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकार और अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। छोटे छोटे लोगों से बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलती हैं, और मैं ये मानता हूँ कि अच्छाई पर, क्वालिटी पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हमारे ही दोस्त मित्रों के साथ बात करते करते बहुत सी नई नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती है, और वो हमारे पर्सनैलिटी में अगर हम ला सकें तो दैट कैन बी ए गुड प्रोसेस बाय विच हम अपने को सुधार सकते हैं।